मुरैना के प्रशासनिक अधिकारी किसानों को पर्याप्त खाद मिलने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। किसान खाद के लिए आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा ही वाक्या केलारस में देखने को मिला, जहां खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने एमएस रोड पर जाम लगा दिया। किसानों का कहना है कि प्रशासन खाद उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है, जिसकी वजह से फसल नष्ट हो जाएगी। वहीं जाम की सूचना मिलने पर पहुंचे अधिकारियों ने किसानों को समझाइश देकर जाम को खुलवाया। किसानों को खाद की समस्या आ रही है, आज नहीं तो काफी समय से आ रही है। इस बीजेपी की भ्रष्ट सरकार में, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, आप चलकर जाकर देखिए दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर लाखों किसान बैठा हुआ है अपनी मांगों को लेकर, लेकिन किसानों की कोई नहीं सुन रहा है। आप आज ये मुरैना जिले के कैलारस में भी देखिए, लोग एक खाद के कट्टे के लिए यहाँ रोड पर उनको बैठना पड़ रहा है। रसूखदारों के फोन आते हैं, उनके फोनों पर एक एक ट्रैक्टर भर के उनके घरों पे उनके रिश्तेदारों के यहाँ खाद पहुंच जाता है, लेकिन किसान यहाँ बेचारा आठ आठ दिन से चक्कर लगा रहा है। तहसीलदार महोदय से जो हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि अभी खाद इस समय है नहीं, और जब आएगा तब बटेगा, कब आएगा इसका उनके पास कोई जवाब नहीं। दो दिन से लोग अनाज मंडी केलर्स में खाद के लिए पड़े हुए हैं। कर्मचारियों के द्वारा उन्हें झूठा आश्वासन दिया जा रहा है कि खाद आपको मिल जाएगा, लेकिन रात में खाद को चारों ब्लॉक कर करके बेच दिया जाता है, और किसानों को किसी को एक ट्रैक्टर और किसानों को दो कट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास विधायक खरीदने के लिए पैसे हो सकते हैं, लेकिन किसान के लिए दो कट्टे देने के लिए।